हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके ही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो कोई मैच नहीं है जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि कौन सा टाइटल है एक्सचेंज 22 टू मैं इसके बारे में रिव्यू क्यों कर रहा हूँ इसके पीछे बहुत सारे रीजन है वीडियो मैं बोल रहा हूँ हर एक सेकंड में जो मैं वीडियो में हर चीज़ बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करके दे सकती है तो वीडियो को मैं बोल सकता हूँ अगर आप लगा सकते हो तो किसी पॉइंट पर स्किप मत करना और बहुत मैं हर चीज़ में कवर करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कोई भी चीज़ को मैं छोड़ू तो हर चीज़ मैं सर से लेकर पैर तक इस ऐप के बारे में सबसे बेस्ट कवर कर सकता हूँ और आपको बताऊंगा तो डेफिनेटली वीडियो को मिस मत करना अदरवाइज आप एक बहुत गोल्डन चांस मिस कर सकते हो तो देखो मैं आपको ये ऐप आप के लिए आपको आप पहले मुझे बहुत सी सब्सक्राइबर्स और यूजर्स के रिकमेंडेशन आ रहे थे कि इस ऐप को ट्राई करो और मैंने पर्सनली यूटिलाइज़ करा और मुझे पर्सनली ऐप अच्छी लगी और दूसरी बात ये ट्रस्टेड और तीसरी बात ये है कि मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी और वही डिफरेंट समझाने के लिए मैं आपके साथ वीडियो में आया तो मैं भी इसके बारे में बता सकता है बट मेरे को लगा वीडियो में आपको बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में अगर घुसना है तो उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी जरूरी है अदरवाइज वो चीज़ आप फेलियर के रूप में देख सकते हो तो इसके बारे में आपको बहुत सारी अच्छी बता रहा हूँ एक एक चीज़ मैं आपके साथ कवर करने वाला वो है देख आप दिखा सकता हूँ आपको मैं ये देखो मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ यहाँ पे देख सकते हो आप ये सारे पॉइंट्स ये सारे पॉइंट्स अब ये सारे पॉइंट सीख लोगे ना तो मैं बोल सकता हूँ आप एक्सपर्ट बन सकते हो इस ऐप में वो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी है और ज़रूरी मैं बोल सकता हूँ नो ओपोनेंट यहाँ पे नेवर लॉस ऑल मनी यहाँ पे चार्जेस कम है यहाँ पे है इंस्टेंट विड्रॉ पेटीएम प्लस और यहाँ पे मेरे ख्याल से पेटीएम और बैंक दोनों है बाकी यहाँ पे है रेफर कोड आपको यूज़ कर लेना अगर आपको फर्स्ट डिपॉजिट में 500 तक का चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि जो 100 परसेंट कैश बोनस है ना वो हंड्रेड परसेंट यूज़ होता है ऐसा नहीं कि पार्शियली यूज होता है वो हंड्रेड परसेंट पूरा का पूरा यूज होता है तो फाइव हंड्रेड डॉक्टर यूज़ कर लेना और आपको फाइव हंड्रेड का कैश बोनस मिल जाएगा बाकी यहाँ पे है कि स्टॉक मार्केट कंसेप्ट है अभी स्टॉक मार्केट को देख के भाग में जाना बहुत सिंपल है कुछ नहीं है हवा है बाकी बात करोगे तो यहाँ पे क्रिकेट प्लस फुटबॉल दोनों गेम्स है बाकी पॉइंट सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है दूसरा बात है यहाँ पे जैसे कि अदर ऐप्स आप करते हो बाकी यहाँ पे देखोगे सेल एंड सेल बाय बिफोर ये आपको आगे बताऊंगा ये क्या चीज़ है बाकी बाय एंड सेल हेड टू तो हेड का मतलब क्या है मल्टी बैगर में सिंपल और प्रीमियम मल्टी बैगर का मतलब क्या है फैंटेसी कोइन का मतलब क्या है और वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम और वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा मैंने टेलीग्राम मैं एंड ऐप लिंक ऐप जो ऐप का लिंक है और रेफर करता आपको यहाँ मिल जाएगा ऐप का लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मिल जाए, सकता है मिल जाएगा और वीडियो के नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा दोनों चीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक और ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा और कमेंट में तो जरूर जाके देख लो नीचे जाके तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात करते हैं यहाँ पे नो ओपोनेंट नो ओपोनेंट का मतलब क्या है नो ओपोनेंट का मतलब यह है कि अदर आपसे आपसे एक चीज़ कंपेयर करते हो कि आपके भले ही बहुत अच्छी टीम परफॉर्म कर जाए और आप कुछ भी क्रिएट कर लो तो आपका बट आपके साथ होता क्या है कि अगर आपके अपोनेंट ने अच्छी टीम बना दी एक प्लेयर से ही फर्क पड़ जाता है अगर आपके अपोनेंट ने अच्छी टीम बना दी तो आप ऑल मनी लूज कर सकते हो बट यहाँ पे एक सबसे खास बात क्या है आपको दिखा यहाँ पे जब आप जाओगे देखो इस पर क्लिक करोगे तो बाय एंड सेल ऑप्शन आएगा यहाँ पे आएगा मल्टी बैगर तो बाय एंड सेल पे जाना सिंपल पहले मैं बाय एंड सेल समझाता हूँ क्या बाय और सेल है क्या सिंपल एक है बाय का मतलब कुछ नहीं है ये पॉइंट है आपको क्या लगता है जैसे आप सिंपली जैसे पॉइंट सिस्टम दिखाता हूँ आप ये पॉइंट सिस्टम चेक कर सकते हो सेम जैसे आप अदर एक्स पे देखते हो कि एक रन का एक पॉइंट है एक टेस्ट में वनडे में टेस्ट में ये है टी ट्वेंटी में यह है तो आप सब देखते हो बाउंड्री का है सिक्स का ये हाफ सेंचुरी के इतने पॉइंट्स है और सामने सामने उसके रेस्पेक्टिव लिखा हुआ है टी ट्वेंटी में इतने मिलेंगे एक बाउंड छक्के के दो पॉइंट हर किसी में और टेस्ट में तीन है हाफ सेंचुरी के यहाँ आठ है सात है थोड़ा डिफरेंट है हल्का सा देखना पॉइंट सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा डिफरेंट है जैसे यहाँ पे छक्के का तीन पॉइंट है यहाँ पे आपको सेंचुरी का थोड़ा ज्यादा बोनस मिल जाता है ठीक है तो यहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ी देख के चलने चलनी पड़ेगी और यहाँ पर जब पॉइंट आप पूरा देख लोगे जैसे आप हर हर जगह देखते ही हो तो ये पॉइंट को पूरा एनालाइज करके जानना और आपको बस ये पॉइंट है ना जो पॉइंट ये पॉइंट सिस्टम जो पूरा है विकेट के इतने यहाँ पे ये देखोगे टी ट्वेंटी ये सारे फॉर्मेट का लिखा है तीन विकेट लेगा तो एक्स्ट्रा पाँच पॉइंट मिलेंगे चार विकेट लेगा तो यहाँ पे टी ट्वेंटी में आठ पॉइंट मिलेंगे और वनडे में मिलेंगे पाँच और टी टेन में कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा पाँच विकेट लोगे तो यहाँ पे वनडे में आठ पॉइंट है और टेस्ट में लोगे तो पाँच विकेट तो दस पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे मेडन ओवर अगर आप करते हो टेस्ट मैच में तो एक है वनडे में पाँच है टी में सात है और यहाँ पे है बारह पॉइंट्स अगर टी में करते हो तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको पॉइंट जैसे ऑल मतलब आप तो सबको पॉइंट सिस्टम समझ आता ही होगा तो सिंपली वैसे ही पॉइंट देखना और यहाँ पे आपको लगता है कि रहीम जैसे ये प्लेयर है रहीम आपको अगर लगता है कि रहीम चालीस पॉइंट आराम से दे सकता है उसमें आपको लगता है कि आप कैलकुलेशन करोगे यार चालीस पॉइंट कैसे दे सकता है मान लो कि आप एक कैच करेगा तो आठ पॉइंट दे गया क्योंकि ये टी ट्वेंटी मैच है टी ट्वेंटी में आठ पॉइंट है तो तो यहाँ पे आठ पॉइंट देगा कैच का एक स्टंपिंग करेगा तो बारह पॉइंट जाएंगे तो बीस पॉइंट आप बोलोगे यहाँ का कंफर्म हो गए बाकी बैटिंग करने आएगा चालीस रन मारेगा तो आपके माइंड में कैलकुलेशन चल रही है चालीस में से अगर चालीस रन मारेगा तो एक आधा छक्का मारेगा तीन चार चौके मारेगा तो चौकों के एक एक पॉइंट मिलेंगे और छक्कों के दो तो है तो मान के चलो पैंतालीस पॉइंट आपको लग रहा है कि यहाँ पे बैटिंग से आ सकते हैं और 20-25 पॉइंट आपको विकेट कीपिंग से मिलता है आपको लग रहा है कि पैंसठ साठ पैंसठ के आसपास पॉइंट दे सकता है तो आपको क्या करना है बाय कर लेना है अब बाय का मतलब क्या है बाय का मतलब है आपको लग रहा है चालीस पॉइंट से ये ऊपर पॉइंट देगा आपको लग रहा है सिक्सटी फाइव तब आपको प्रॉफिट कैसे होगा इसमें माइन मान लो चालीस पॉइंट चालीस सिक्सटी फाइव मारे मतलब रहीम ने चालीस फोर्टी फाइव रन मारे मतलब रहीम का दिखाता तो, हूँ फोर्टी फाइव रन मारे एक कैच किया एक स्टंपिंग किया तो स्टंपिंग कि के बारह पॉइंट कैच के आठ पॉइंट और टोटल बीस पॉइंट रही ने फील्डिंग से दिए अब रन बैटिंग से करा उसने फोर्टी फाइव रन मारे जिसमें तीन चौके और एक छक्का मारे तीन चौकों के तीन पॉइंट एक छक्को एक छक्के के दो पॉइंट तो पाँच पॉइंट बाउंड्री से आ गए बाकी फोर्टी फाइव ये तो फोर्टी फाइव प्लस पचास और यहाँ पे अगर सत्तर पॉइंट हो जाएंगे बीस पचास में अगर बीस प्लस करोगे तो पैंतालीस में पचास पॉइंट वो हो गए बैटिंग के और बीस पॉइंट हो गए आपके फील्डिंग के तो सत्तर पॉइंट अगर रही आपको दे के जा रहा है तो आपको प्रॉफिट कितना बन सकता है यहाँ पे तीस रुपए पर शेयर तो आपको शेयर कैसे है आपको लग रहा है कि हाँ इससे ज्यादा जरूर देगा आ, अगर आप चालीस मारा तो आपको आ, मतलब ना पैसा ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा हो आपको पूरा मिल जाएगा क्योंकि आपने जितना सोचा था उसने तो एटलीस्ट मार्केट चला गया मतलब आपको जा, मतलब जितना उसका बेस पॉइंट है चालीस आपको लगा चालीस मारेगा और इसने चालीस ही पॉइंट मतलब आपको लगा साठ मारेगा बट इसने चालीस ही पॉइंट दिए आपको ये लग रहा था कि हाँ ये चालीस से ऊपर देगा ही देगा या चालीस देगा मिनिमम तो आप लगा दोगे इस पर खरीद लोगे से आप बोलोगे कितने शेयर खरीद लोगे जिसको शेयर खरीदना होगा आप बोलोगे मैं इसके ले लूँगी और आपको नीचे अमाउंट लिखता पाएगा कि आपका इतना डिडक्ट हो जाएगा देन आप बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे और मेरे ख्याल से मैक्सिमम एक लॉट में एक बारी में आप पचास शेयर परचेज कर सकते हो जब पचास कर लोगे तो ये आ, यहाँ पे ऐड ऑप्शन गायब हो जाएगा तो पचास से ज़्यादा एक, एक बारी में नहीं कर पाओगे उसके लिए फिर आपको जब बाय करोगे फिर बाय कर लोगे तो आपके इतने अमाउंट कट जाएगा ठीक है तो आपको पचास शेयर आ जाएंगे मुश्किल रहीम के देन आप और ख़रीदें तो फिर आप दोबारा लग सकते हो यहाँ पे पचास शेयर और खरीद सकते हो बट आप रहीम ने अगर साठ सत्तर पॉइंट दिया तो आपको एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ सत्तर पॉइंट पे चालीस से ज्यादा कितने पॉइंट दिए तीस सत्तर माइनस करोगे चालीस सौ तीस पॉइंट एक्स्ट्रा है तो तीस पॉइंट आपने शेयर कितने खरीदे थे पचास तो आपको जाएगा पंद्रह सौ का प्रॉफिट और वहीं पर वैसा वह हुआ कि आपने माना चला गया रहीम सिक्सटी फाइव पॉइंट देगा बट हुआ उल्टा रहीम ने मान लो अब सिर्फ दिया पच्चीस पॉइंट तो आपको पर शेयर पे पंद्रह रुपए का लॉस होगा तो आपने कितने शेयर के दें पचास इंटू साढ़े सात सौ को आप लॉस होगा बट अभी आप सब खूबसूरती देख पा रहे हो फिर भी आपको साढ़े सात सौ रुपये वापस मिल पा रहे हैं क्यों क्योंकि आपके रहीम ने पच्चीस पॉइंट तो मारे पच्चीस पॉइंट के तो पैसे वापस मिलेंगे और अगर, अगर अप तो आप कंपेयर करोगे तो वहाँ पे या तो आप पूरा आपको हारोगे या तो पूरा जीतोगे ठीक है तो आप ये चीज़ यहाँ पर ये है दूसरी बात यह है कि सबसे या तो आप मतलब इसमें क्या है कि आपका प्लेयर अगर एक रन में आता है तो जितने शेयर खरीदो उससे इंटू करते हो आपने पचास खरीदो पचास रुपए आपके रिकवर होते रहेंगे जैसे दो रन दो पॉइंट देगा तो आपके फिर सौ रुपए का कवर हो गए और इससे ऊपर आएगा तो आपके प्रॉफिट जाता रहेगा इससे नीचे होगा तो आप लॉस में रहोगे बट आप पूरा कभी मुश्किल से बहुत कम चांस होगा कि आपका प्लेयर मतलब इतना बेकार होगा कि एक भी पॉइंट ना कैचिंग से देके जा रहा ना फील्डिंग से ना पॉइंट से ना बैटिंग से तो वो बहुत ज़्यादा बैड लग होता है जब बिल्कुल पॉइंट नहीं आता अदरवाइज अमाउंट रिकवर हो, मतलब हो जाता है पूरा मतलब पूरा जितना आपने इन्वेस्ट किया उसमें से कभी पूरा नहीं हारते अदरवाइज अदर ऐप में क्या होता है कि आप पूरा हारते हो या पूरा जीतते हो वो आप चे एक कंपेरिजन आप देख पा रहे हो मैं आपको बताया था और दूसरी बात ये क्या है कि इसमें क्या क्या आप अगर आप आग बोलोगे आपके मन में एक चीज़ और आ रही होगी यार इसने चालीस पॉइंट दिए मान लो इसने सौ पॉइंट बना दिए तो क्या होगा आप बोलोगे सौ इन पचास uh, आप बोलोगे पाँच हज़ार का प्रॉफिट नहीं ऐसा नहीं होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है आप मैक्सिमम हार कितना सकते हो देखो आपने चालीस शेयर खरीदे पचास रुपये के हिसाब से तो दो हज़ार रुपये आपने इन्वेस्ट करे तो आप मैक्सिमम हार कितना सकते हो दो हज़ार ही हारोगे ना तो आप मैक्सिमम दो हज़ार ही जीत सकते हो तो दो हजार ही जीत सकते हो जितना आप हार सकते हो मैक्सिमम उतना आप मैक्सिमम जीत सकते हो तो ऐसे नहीं है कि अस्सी तक तो आपके मतलब पॉइंट बन जाएंगे जैसे चालीस इसका दुगना कितना हो गया अस्सी तो अस्सी तक तो आपका मतलब मतलब आपको पूरे प्रॉफिट मिल अस्सी मतलब, तक तो आपका मतलब प्रॉफिट चलेगा उसके बाद ये ऊपर जितना एट्टी वन पॉइंट एट्टी टू दे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको मतलब दो हजार था दो हजार प्रॉफिट हो जाएगा उस पर तो मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम आप डबल कर सकते हो क्योंकि आप स्टॉक मार्केट को क्यों कह रहा हूँ अगर आपको स्टॉक मार्केट पता हो तो उसमें क्या होता है शेयर मार्केट में कि यहाँ पे अगर आप एक चीज़ कंपेयर करोगे शेयर मार्केट में क्या होता है कि आपको बायर और सेलर मिलने बहुत जरूरी होते हैं जैसे कि इसमें क्या है कि बायर कौन है आपने बाय करा तो तभी बिड लग पाएगी अगर यहाँ से किसी ने सेल करा सेल का मतलब यह है कि आपको लग रहा है ये ज़्यादा मारेगा और सेल वाले को लग रहा है कि ये कम मारेगा आप सेल भी कर सकते हैं आपको लग रहा है कि रही मैं जल्दी आउट हो जाएगा पहली बॉल पे वो कैचिंग स्टंपिंग के पॉइंट लेके 36 से कम ही पॉइंट देगा तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे सेल कर सकते हो आपको उल्टा लग रहा है कि इतने नहीं पॉइंट नहीं देगा तो आप ये शेयर खरीद मतलब सेल कर सकते हो सेल का मतलब ये कि आपको लग रहा है ये नहीं देगा अब मान लो उसने आपको लगा छत्तीस छत्तीस इसमें क्या होगा आप, आपने मतलब छत्तीस परचेज मतलब सेल करा बट हुआ क्या उसने चौवन मार दिया तो आपको छत्तीस से ज़्यादा कितना मार गया अट्ठारह तो आपको इस सेल के केस में क्या होगा आप सेल का मतलब होता है कि आपको लग रहा है कि लिख लो यहाँ पे नहीं मारेगा इतने इतने पॉइंट नहीं दे पाएगा बाय का मतलब है इतने पॉइंट दे देगा या इससे ज़्यादा देगा या इससे कम देगा तो आप अगर आपको लगता है कि यार ये इतने पॉइंट कहाँ दे पाएगा जैसे इसको लगा लो ऐसे रहमान आपको लग रहा है ये वाई अली को लगा लो आपको कहो वाई अली इतना बड़ा प्लेयर नहीं है यार कहाँ देगा इतने पॉइंट तो आप बोलोगे मैं मैं इसको सेल कर देता हूँ तो मान ली इसने दो पॉइंट दे तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा छब्बीस माइनस दो चौबीस रुपये एक शेयर में प्रॉफिट हो जाएगा और चौबीस इंटू अगर आपने पचास शेयर खरीदे होंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हो बारह सौ के आसपास प्रॉफिट वहीं पे क्या होता है अगर आपको लगता है कि यार यासिर अली क्या करेगा छब्बीस में मुझे लगता नहीं छब्बीस से कमी मारेगा पर उसने मार दिए तीस पॉइंट तो आपको छ आपने सोचा छब्बीस तो क्या मारेगा पहले तीस ज़्यादा मार दिए चार पॉइंट तो आपको पर शेयर पर चार का लॉस हो जाएगा वैसे ही अगर आपका देखोगे तो इसने अगर आपको लग रहा है नहीं मारेगा छब्बीस इसने मार दिए साठ तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हारोगे दुगना ही हारोगे मतलब बावन पॉइंट तक हारोगे जितना आपने लगा रखा हो उतना हारोगे सेम यहाँ पे देखोगे कि अगर ये जीरो पर उठा तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा वो तो सेम यहाँ पे बाय का मतलब ये है कि आपको लगता है कि इतना तो आपको लगता है कि ये उसके ऊपर जितना जाएगा वो आपका प्रॉफिट इसके नीचे जितना होगा वो लॉस और बड़ा पूरा कभी बहुत, बहुत कम होता है कि बिल्कुल प्लेयर फ्लॉप होगा तो आपका पूरा पैसा जाएगा बाकी सेल में वो है उल्टा सोचना है आपको कि आपको लगता है ये नहीं जाएगा बाकी ये मतलब ये सेल में होगा कि आपको लगता है कि ये नहीं मार पाएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेड टू हेड तभी बोला मैंने आप मैं को मैंने हेड लिखा था कि हेड में आपे देख पाते हो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता है कि आप दुगना ही अमाउंट विन कर पाते हो तो वैसा ही है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम दुगना आ, मतलब आप विन कर सकते हो या फिर जितना है उतना हार सकते हो उससे ज़्यादा ना प्रॉफिट ना लॉस अब मल्टी बैकर क्या होता है आपके आपके मन में लाला रहा है जैसे आपको बताओ मैं बाईस साल का बताता जता जैसे मैंने यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मोहम्मद सैफुद्दीन मुझे अच्छा प्लेयर लगता है और मेरे को पता है कि यार ये एक विकेट तो चलो मान के देगा ही देगा और मुझे लगता है एक कैच भी कर लेगा तो अट्ठाईस पॉइंट तो ये हो गए और बाकी बैटिंग से 20-25 मार के जाएगा तो मेरे को लग रहा है कि तिरपन पॉइंट देगा तो मैंने इसलिए कितने अड़तीस में मैंने कितने शेयर परचेस करके रखे हुए हैं इसके थर्टी सेवन मेरा मन करेगा तो और ख़रीद लूंगा तो मैंने थर्टी सेवन ऑलरेडी परचेज़ करके रखे हुए हैं तो आप देख सकते हो अब इसे थर्टी एट से जितने ज़्यादा मारेगा मुझे आ, उतने थर्टी सेवन शेयर मतलब इसने पचास मार दिए पॉइंट तो अड़तीस से ज़्यादा कितने मार दिए बारह पॉइंट ज़्यादा मार दिए तो मुझे थर्टी सेवन शेयर है तो हर शेयर में बारह रुपये का प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे साढ़े चार सौ के आसपास कोई प्रॉफिट होएगा कैलकुलेशन करके ठीक है चार सौ चौवन ऐसी कुछ होगा समथिंग ठीक है तो इतना का प्रॉफिट हो सकता है और सेम मुझे अगर लगता है कि यहाँ पे यार मुझे कोई प्लेयर लग रहा है कि यहाँ पे फेजल मैच किसी मुझे कहीं मुझे लगता है कि किसी प्लेयर का फालतू में ज़्यादा बिट दे रखी है जैसे कि यहाँ पे अगर आप पकड़ लो किसी को मुझे लगता है कि एस रहमान का फालतू में जितना ज़्यादा दे रखा है तो मैं बोलूँगा यार एस रहमान मुझे लगता नहीं करेगा तो मैं इसको सेल करके बैठ जाऊँगा कि मुझे लगता है इतना नहीं देगा बट इससे ज़्यादा मार देगा छब्बीस पॉइंट से ज़्यादा दे देगा तो मुझे लॉस होना चालू जाएगा कितना लॉस जाएगा जितना मैंने लगाया हुआ उतना जाएगा और अगर छब्बीस के उसने चालीस करे तो तब भी मेरा पूरा लॉस नहीं हो वाला क्योंकि 26 में से इसमें 14 ही पॉइंट ज्यादा मारे हैं बाकी तो मुझे रिटर्न मिल ही जाएगा क्योंकि डबल मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम डबल आ सकता हूँ उससे जितने कम मारेगा उतने मुझे वापस मिलते जाएंगे और वो सेम इसमें डबल तक आप विन कर सकते हो ठीक है अब आते हैं मल्टी बैगर क्या है और मल्टी बैग सबसे बड़ी बात है अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मल्टी बैगर क्या है जब क्लिक करोगे इसके ऊपर तो, तो मल्टी बैगर खुलेगा मल्टी बैगर क्या है क्या आपको आप, आप, आपको आपको वहाँ पे डबल तक ही विन कर सकते हो जैसे आप हेड टू हेड बाय में वहाँ आप डबल तक विन कर सकते हो यहाँ पे आप डबल से ज़्यादा विन कर सकते हो इसका मतलब क्या है अगर आपने स्टॉक मार्केट में अगर आपने देखा हो कि बायर और सेलर अगर आपको बायर है तो वहाँ पे सेलर एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी होता है सेलर एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है सेलर एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आपको मतलब शेयर मार्केट की तरह वहाँ पर आपको बायर सेलर मिल ही जाएगा क्योंकि कहीं आप सबका माइंड अलग चलता है कई को लगता है कि वहाँ पे कि जैसे यहाँ पे कईयों को लगता है कि रहीम ज्यादा मारेगा आपको लग रहा है ज्यादा मारे तो कईयों को लगता है कम तो सेलर और बायर दोनों मिलते तो उनकी भीड़ लग जाती है तो आपको मतलब शेयर आपका एग्जीक्यूट आता है वो आपको जब मैच का स्टार्ट होगा तब तो आपको लिखा हुआ जाएगा कि आपका शेयर एग्जीक्यूट हो चुका है आपको इतने शेयर अलॉट हो चुके हैं तो आप वो मैच देख सकते हो बाकी मैंने देखा कि मेरा तो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट टाइम हर बार मेरा अलॉट पूरा हुआ है तो यहाँ पे बहुत कम चांस होता है कि नहीं हो उसके बाद ऑफर में क्या होगा तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो आगे बताऊंगा उससे पहले बताता हूँ चलो आपको बताता हूँ ऑफर में होता क्या है तो ऑफर में होता क्या है ऑफर में जाओगे ना तो ये जो जनरली होता क्या है तो यहाँ पे आपके कौन कौन से पॉइंट कवर हो गए यहाँ पे अपोनेंट कोई नहीं है देख लो आपका ही आपका ही बेसिक से अपोनेंट कोई है नहीं अगर आप को, आपका मतलब लॉज मतलब आपका क्रिकेट सेंस सही बोलता है तो आप प्रॉफिट में आ सकते हो और आपका अगर थोड़ा सा गलत हुआ तो आप सारा तो हारोगे नहीं कुछ ना कुछ तो वापस आएगा आए ही आएगा लॉस ऑल नेवर लॉस ऑल मनी अपोनेंट नहीं है यहाँ पे सारा पैसा कभी नहीं हार सकते जैसे कि मैंने कहा कि अगर उसमें से आपको लगता है छब्बीस मारेगा छब्बीस नहीं मार पाएगा छब्बीस आपने माना कि रहीम रहीम चालीस मारेगा बट उसने पचास मारे तो सिर्फ आपको दस रुपये का हुआ तो बाकी आपको तीस रुपये तो मिल ही रहे ना पर शेयर के हिसाब से वापिस तो आपको सिर्फ एक शेयर पर दस रुपये का लॉस हुआ बाकी चालीस में से तीस मिल रहे ना तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कभी सारा पैसा इसमें हार नहीं सकते चार्जेस बहुत कम है आपने देखोगे आई थिंक छः परसेंट के आसपास है बाकी देखोगे इंस्टेंट विद्रॉ है पेटीएम और वहाँ पे डॉक्टर आपको रेफर कर डालना है स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने क्यों है ये बाकी क्रिकेट एंड फुटबॉल है फुटबॉल के लिए कहाँ पे जाना है अब जब फुटबॉल के लिए जानाओगे या आप कोने में कॉर्नर में ऊपर देख रहे हो ये इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे खुल जाएगा फुटबॉल तो फुटबॉल पे जाओगे तो फुटबॉल भी खेल सकते हो ऐसे फुटबॉल पे सेम आपको फुटबॉल के पॉइंट सिस्टम समझ लेने हैं वहीं फुटबॉल के सेम पॉइंट सिस्टम समझ के आपको सेम यहाँ पे बिड लगानी है बाय सेल आपको करना है अगर आप क्रिकेट फुटबॉल की बहुत अच्छी नॉलेज हो तो आप फुटबॉल का भी यहाँ पे यूटलाइज कर सकते हो तो बल्ह फिलहाल मैं क्रिकेट के ऊपर आता हूँ अब आता है ये मेन पॉइंट सेल एंड बाय बिफोर ये आती है मेन पॉइंट की बात तो होगा क्या कि जैसे कई बार होता गया है कि कई लोगों को क्या लगता है कि रहीम चाह मुझे मतलब जनता को मेजोरिटी ऑफ मतलब सौ लोग में से अस्सी लोगों को लगता है कि कि रहीम ज़्यादा पॉइंट देगा ही देगा तो उस केस में क्या होता है कि बायर बढ़ते जाएंगे बायर बढ़ते जाएंगे अब तो बायर बढ़ते जाएंगे तो सेलर भी मिलने जरूरी है तभी तो वो एग्जीक्यूट हो पाएंगे सेलर और बायर मिलेंगे तभी तो वो मतलब शेयर आपको मिल जाएगा इसका कि हाँ ये आप खेल सकते हो उस पर मतलब आपको ये अलाउट हो गए अब इस पर प्रॉफिट जित ऊपर मारेगा प्रॉफिट होगा इससे नीचे उड़ेगा तो लॉस बट इसके लिए अगर आपको बायर और सेलर मिलना जरूरी है आप सेलर के कम प्राइस क्यों दे रखे हैं क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए क्योंकि अगर देखो यहाँ पे चाल क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए क्योंकि देखो प्राइस पैसा कम लगता है चार रुपये कम लगते हैं यहाँ पे एक शेयर पे दूसरी बात है बाय पे चार रुपये ज़्यादा लगते हैं इसलिए यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए क्योंकि बायर और सेलर का मिलना बहुत जरूरी है अगर आपको एक एग्जीक्यूट करना है लॉट ठीक है तो यहाँ पे अगर कई बार होता है कि सौ में से अस्सी लोगों को लगता है कि यहाँ पे रहीम मार रहा है तो रहीम के चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा परचेस करके बैठ जाते हैं तो सेलर बहुत कम होते है तो सबके नहीं एग्जीक्यूट हो पाते जब वो मैच से तीस मिनट पहले इसकी डेडलाइन होती है कि तीस मिनट पहले तक आपने सेल परचेज कर लिया वो आपको दिख जाएगा ठीक है देन होगा क्या अब बायर इसके ज़्यादा सैलर ज़्यादा टीम को आपको उनको करना क्या पड़ेगा कुछ लॉजिकली सोचो उनको क्या करना पड़ेगा कि बायर का प्राइस को बढ़ा या तो ये बीच में बढ़ाते रहेंगे जब इसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो ये बायर का प्राइस बढ़ाएंगे क्यों बढ़ाएंगे ताकि लोग यहाँ पे सेल करने को भी आए आ, मतलब यहाँ पे देख रहे हो कि एक बंदा भी अगर सेलर नहीं आता रहीम का मतलब कि लोग खरीद नहीं रहे रहीम को सबको लग रहा रहीम यार चालीसा पॉइंट ऊपर देखा तो सबने खरीदना चालू कर दिया खरीदे खरीदे खरीदे, 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 खरीदे लिए तो ये अब क्या होगा पहले था कि यहाँ पे बढ़ता नहीं था प्राइस अब क्या किया अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ते जाते हैं तो आप देखते रहोगे कि रहीम के जैसे अभी चा, चालीस है थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो बयालीस सकते हैं चालीस सकते हैं छियालीस सकते हैं बट अब लोग फिर भी खरीदे छियालीस पर लोगों को लग रहा है रहीम चालीस पे भी देगा बट अब मैच लगी डेडलाइन साढ़े सात साढ़े सात बजे सात आठ बजे मैच है तो साढ़े सात बजे इसकी डेडलाइन बंद बंद हो जाएगी बट फिर भी देखोगे तो कंपनी रहेगी तो सिर्फ एक लाख लोगों ने यहाँ पे बाय कर रखा है और यहाँ पे सत्तर हजार लोगों ने सेल कर रखा है तो अभी तीस हजार लोगों का अभी सत्तर हजार को चलो यहाँ पे सेलर और बायर मिल गए बाकी तीस हजार को नहीं मिल पाया ना क्योंकि एक लाख ने बाय करा है सत्तर ने सेल करा है तो सत्तर हजार को तो यहाँ पे बायर को सेलर मिल गए बट तीस को नहीं मिला इस केस में कंपनी अगर कि जो आधा घंटा बचता है ना उसमें यहाँ पे ऑफर में डालती है ऑफर में क्या होता है कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा उस केस में कंपनी को वहाँ पे लालच देना पड़ेगा लालच कैसे देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी के पास तो बायर बहुत पड़ गए रहीम के बट वहीं पे अगर आपको रहीम को अगर रहीम के सैलर बढ़ाने तो क्या करना पड़ेगा उस प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा थर्टी सिक्स जो दे रखा है रहीम का सैलर आप देख सकते हो रहीम को जो थर्टी सिक्स पर सेल कर रखा है वो देखना डेफिनेटली यहाँ पे आके ऑफर में वो थर्टी एट जाएगा ताकि उसको बढ़ा देंगे लोगों को और एक गैप मिल जाएगा दो पॉइंट का कि रहीम को दो पॉइंट मतलब आपको कई को लगेगा फिर यार रहीम को यार जिन्होंने चालीस कर दिए मतलब उसके छत्तीस के मान लो चालीस कर दिए तो आपको लगेगा यार अब लग रहा है कि रहीम शायद चालीस ना मार पाए तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए जो तीस मिनट का समय होता है वो यहाँ पे ऑफर में आता है ठीक है तो वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो धीरे धीरे आप समझ जाओगे और आप स्टॉक मार्केट से जुड़े तो स्टॉक मार्केट वैसे कुछ नहीं है सब हवा की बात है अब आते हैं मल्टी बैगर में आपको धीरे धीरे समझाता रहूंगा आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिए आपको 100 परसेंट ग्रिप बन जाएगी इस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है बाकी 90 परसेंट लोगों को समझ आ ही रहा होगा बाकी आप जुड़े रहोगे तो आपको सबसे मजा जाएगा बाकी यहाँ पे मल्टी बैगर के बारे में बात करें तो प्रीमियम मल्टी बैगर है और यहाँ पे सिंपल मल्टी बैगर है अब मल्टी बैगर क्या है वहाँ पे देखो बाईस साल मेरा तो सिंगल आप डबल के जितना अमाउंट कमा सकते हो या डबल गवा सकते हो ठीक है या आप तो लॉस तो वैसे बहुत कम होता है ज्यादातर आप डबल ही कमा सकते हो अब यहाँ पे क्या मल्टी बैगर के आपको टाइम मुझे आप कहते हो यार मैं सौ रुपये पड़े या सौ के मुझे इक्कीस सौ बनानी आप कैसे बनाओगे आपको क्या करना है कि जितने प्लेयर यहाँ दे रखे सबके नाम ना आपको वो पता लगाना है कि यार ये सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा इन सब में से ना उस बंदे सब को सबसे ज़्यादा पॉइंट देना जरूरी है जैसे आपको लग रहा है रहीम को रहीम का क्या है कि रहीम को सब लोग लेंगे तो आप सबको पता है कि रहीम इनमें सबसे बढ़िया प्लेयर है और दूसरा प्लेयर सबसे बढ़िया कौन है इनमें मोहम्मद सैफुद्दीन तो रहीम और सैफुद्दीन को सब लोग खरीद के रहेंगे सबको पता है कि रहीम और सैफुद्दीन ही पॉइंट देंगे बट क्रिकेट है ये दोनों नहीं चले सबसे ज़्यादा पॉइंट किसी और ने दे दिए मान लो कि इसने दे दिए पॉइंट क्योंकि देखो इसने दे दिया तो उसका फायदा क्या मिलने वाला है कोई बंदा लो एस रहमान पे सौ रुपये लगाता है उसका कितना मिलने वाला रिटर्न नाइन पॉइंट टू जीरो एस्टिमेट रिटर्न का मतलब होता है कि जितना लगाओगे टाइम से मतलब उतना गुना तो यहाँ पे सौ का नौ गुना कितना होगा नौ पॉइंट ट्वेंटी नौ सौ बीस पर रहीम पे देखोगे तो सौ रुपये लगाओगे तो आपको सिर्फ थ्री एट्टी वन ही मिलने वाले क्यों मिलने वाले हैं क्योंकि भाई बड़ा प्लेयर है बड़े प्लेयर को हर कोई खरीदने आ रहा है और जितने इसके बायर बढ़ते जाएंगे उतना इसका रिटर्न कम होता जाएगा जिसके जितने बायर कम होंगे उसका रिटर्न ज़्यादा होगा जैसे आप किसी प्लेयर को उठा लो यहाँ पे इसको टा लो यासिर अली यासिर अली को सबको लग रहा है कि यासिर अली तो सबको लग रहा है कि यार काम आ रहेगा इतने बंदों के बीच में सबसे ज़्यादा पॉइंट बट इसका रिटर्न भी देख रहे हो आप एक शेयर दस का है आप यहाँ पे एक का एक दस का तो हम आपकी जितने चाहो दस खरीदोगे सौ आ जाएंगे तो सौ लगा लो मतलब आपने दस शेयर खरीद लिए ठीक है सौ रुपये लगा दिए बट हुआ क्या मैच में इसने सही में सबसे ज़्यादा पॉइंट दे दिए तो क्या होगा सौ का आपको रिटर्न कितना मिलेगा सत्ताईस पॉइंट टू फाइव परसेंट तो आपको सत्ताईस सौ पचास के आसपास का सिर्फ सौ रुपये का प्रॉफिट होगा बट थोड़ा रिस्क है कि वही कि आपके प्लेयर के सबसे ज़्यादा पॉइंट होने जरूरी है मैच के एंड में तो इसलिए जो था लोग यहाँ पे सेफ जाते हैं कि रहीम के साथ जा रहे हैं कि यहाँ थ्री पर चलो तीन परसेंट टीम तीन गुना ही मिल जाए तो वही बेटर है और सेम अगर देखोगे तो ये एस्टिमेट होल्ड का मतलब क्या है कि मतलब सौ लोगों में से सात लोग ने इसको ले रखा है दो लोग ने इसको ले रखा है तो ये एस्टिमेट कर रखा है कि आपको ये दिख रहे हैं जनता ने ट्वेंटी वन परसेंट का मतलब आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको ले रखा है और फिर सैफुद्दीन को भी अच्छे खासे लोगों ने ले रखा होगा आप देख पाओगे ट्वेंटी थ्री परसेंट लोगों को दे रखा है तो ये लोगों को पता है कि सैफुद्दीन और रहीम में आपको दोनों में से कोई ज़्यादा पॉइंट देने वाला है बट क्रिकेट है कोई और आके देगा तो उसका रिटर्न आप देख पाओगे यहाँ पे जैसे इसका देख पाओगे फजल महमूद थर्टी रिटर्न है दस रुपये सौ लगाओगे तो छत्तीस इसका ये तो ये आपको थोड़ा ये है मल्टी बैगर इसे कैसे ले कहते हैं कि गुना मल्टी बैगर मतलब मल्टीबैगर क्या है में, बाकी, जब मल्टी बैगर पर जब, जब क्लिक करोगे मल्टीबैगर में सिंपल मल्टी बैगर तो ये हो गया प्रीमियम मल्टीबैगर पर जब आप क्लिक करोगे इस पे तो क्या खुलेगा ये खुलेंगे चार ये नया एड कराए उन्होंने अभी चार को क्या समझाता आपको समझाता हूँ देखो ये प्रियम मल्टीबैगर है क्या ये पचास पचास इसमें एक शेयर पचास रुपये का जैसे मैं आपने देखा होगा कि एक शेयर दस रुपये का था यहाँ पे देखो एक शेयर तो यहाँ पे दस का था बट यहाँ पे मल्टीबैगर है पचास है बट यहाँ पे कॉम्पिटिशन में बहुत सारे प्लेयर भी तो हैं देखो यहाँ पे कितने सारे प्लेयर हैं कोई भी पॉइंट सबसे ज़्यादा दे सकता है तो जो जितना ज्यादा जैसे आराफा सन्नी का देख पा रहे हो किसी का सबको लग रहा है कि क्या ही देगा पॉइंट बाई चांस किसने अगर सौ लगा दिया उस पर रिस्क लेके तो सो कितना मिलने वाला है खुद देख सकते हो सौ इंटू एक सौ ग्यारह ग्यारह हज़ार के आसपास उसको पैसे मिल जाएंगे सिर्फ सौ रुपये लगा के तो ये ये ग्रैंड लिक टाइप है और मल्टीबैगर में क्या किया कि एक शेयर पचास का क्यों थोड़ा महंगा कर रहा है क्योंकि सिर्फ इन्होंने चार बंदों में दे रखा है आपको ऑप्शन कि चार बंदों में से आपको कौन सा लग रहा है कि ज़्यादा पॉइंट देने वाला है जैसे मुझे लगता है कि एस रहमान वाई अली और एन हुसैन और एफ महमूद तो मुझे चारों ही कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि कौन देगा तो मुझे लगता है कि नजबुल हुसैन शेंटो और यहाँ पे यासर अली में से कोई एक देने वाला है मुझे लगता है कि चारों में से सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा यहाँ पे शेंटो तो मैं शेंटो के शेयर खरीद लूँगा ठीक है तो जितने मुझे शेयर खरीदनेंगे उतने आपसे मैंने दस खरीद लिया तो पाँच सौ रुपये चले जाएंगे अगर सबसे ज़्यादा पॉइंट इसने दिए तो यहाँ पे मुझे इतना इस्टिटमेट रिटर्न मिल जाएगा और पर एक चीज़ ध्यान रखना जैसे जैसे होल्डर्स वगैरह चेंज होते रहते हैं इनका रिटर्न चेंज होता रहता है तो यहाँ पे देखना जैसे इनका इस, इसके होल्डर पर तो इसको ज़्यादा लोग लेंगे तो इसका रिटर्न कम होता जाएगा और मैच स्टार्ट होने तक जितने होल्ड हो गए हो गए जितना रिटर्न उस टाइम पे होगा आधे घंटे पहले वो आपका फाइनल हो जाएगा सेम अगर आप यहाँ देखोगे तो रहीम को मान लो कि लोगों ने और परचेज़ करा और परचेज़ करा तो यहाँ पे मतलब जब मैच स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे पहले यहाँ पे मतलब रहीम को चालीस पचास परसेंट लोगों ने ले लिया तो उसमें होगा क्या कि रहीम का ये रिटर्न और गिर जाएगा क्योंकि जितना ज़्यादा लोग लेंगे उसका रिटर्न गिर गिरता जाएगा सेम यहीं पर है जित, जितना कम लेंगे उसका रिटर्न उतना ज़्यादा होगा तो आप ये समझ पा रहे हो देख पा रहे हो आरफा सन्नी को आप देख ही पा रहे हो एक सौ ग्यारह गुना तो आपको का करिए समझ आ गया तो आपको आई थिंक सारे पॉइंट कब कवर कर दिया आप एक फैंटेसी कॉइन है अगर आप फैंटेसी कॉइन क्या है इसको मतलब फैंटेसी कॉइन मिलते हैं मिलते हैं कब मिलते हैं ये अगर आपने बाय सेल करा और आपके बायर जो आपका सेल है जैसे रहीम के चालीस पॉइंट है फैंटेसी कॉइन का मतलब क्या है कि जैसे आपके चालीस पॉइंट है बायर ठीक है आपको आपने बोला कि रहीम चालीस सौ ऊपर मारेगा इसने मार दिए सौ तो डबल से तो ऊपर ही मार दिया अस्सी तो आपको मैक्सिमम अस्सी तक ही मिलेगा तो फैंटेसी कॉइन आपको कितना मिल जाएगा उतना गुना आपको फैंटेसी कॉइन मिल जाएगा फैंटेसी कॉइन का यूज़ क्या है कि फ्यूचर में ये बोल रहे थे कि शायद ये कोई वाउचर वगैरह मिलेगा वो वो एक थर्ड चीज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो वाउचर जब मिलेगा मिलेगा वो बात अलग है बट हमें तो मेन यहाँ पे देने इन... आपको सबको मैंने समझा दिया नो ओपोनेंट नेवर लॉस मनी इन लेस चार्ज ये यहाँ पे ये इंस्टेंट है पे और बैंक दोनों विड्रॉँ यहाँ पे अगर हो गए डॉक्टर है रेफर कोड जरूर यूज कर लेना पहले डिपॉजिट में अगर 500 सौ तक डिपॉजिट करोगे तो पांच सौ रुपये और आपका एक्स्ट्रा मिल सकते हैं बाकी आप स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया क्रिकेट फुटबॉल है पॉइंट सिस्टम जरूर रीड करना फुटबॉल और क्रिकेट का और टी क्रिकेट में ये देख लेना कि टेस्ट का अलग है वनडे का अलग है टी ट्वेंटी का टी टेन का बाकी सेलर को तीस मिनट पहले और मैंने आपको सब बता दिया ऑफर सेक्शन में जा देखना है आपको हमेशा तीस मिनट के बाद तीस मिनट पहले आपको हमेशा ऑफर सेक्शन में जाके देखना है ताकि आपको ऐसा कोई ऑफर मिल जाए कि हाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा ऑफर मिला तो आप वहाँ पर आके और परचेस बाद में कर सकते हो पहले आपने भले ही कर रखा हो बाद में भी कर सकते हो बाकी मैंने बाय और सेल को हेड टू हेड क्यों बोला है सिंपल और मल्टी प्रीमियम आपको दोनों समझा दिए फैंटेसी कॉइन समझा दिया और नीचे आपको बता दिया कमेंट में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ऐप के दोनों का लिंक है और इनवाइट कोड आएगा रेफर कोड आएगा जैसे आप ऐप पर लॉग करोगे डॉक्टर डाल लेना पाँच सौ तक हंड्रेड बोनस पाँच सौ डिपॉजिट करोगे तो पाँच सौ पूरा मिल जाएगा पहली बारी में तो आपको पूरा हंड्रेड का हंड्रेड परसेंट मतलब 500 का 500 पूरा यूज हो जाएगा मतलब 500 के आपको हज़ार मिल जाएंगे हजार पूरा यूज कर सकते हो ठीक है तो आई थिंक मैंने आपको तो आप यहाँ पोर्टफोलियो पे जाके चेक कर सकते हो और यहाँ पे ये क्लियर होता रहता है ये रिजल्ट जितना ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है तो यहाँ पे देखोगे तो पोर्टफोलियो में जाओगे अभी अपकमिंग है क्या आप यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे परचेज यहाँ पे करके बैठा हुआ मैं यहाँ पे तो मेरा आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे इसको बाय कर रखा है पहले मैंने ऐसी मतलब आपको दिखाने के लिए पहले मैंने बत्तीस जोड़े फिर मैंने पाँच जोड़े तो मैंने ऐसी करा है आप पचास मैक्सिमम पचास एक बारी में कर सकते हो पचास फिर और करने तो दूसरी बार पचास ले लो पचास तीसरी वाले लेना थे तो भैया लाइव होगा तो यहाँ लाइव में चला जाएगा फाइनल में यहाँ निकल जाएगा देन आप वॉलेट चेक कर सकते हो सब कुछ चीज़ें हैं तो आप देख लो मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया है और हार्ड वर्क बहुत लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर जरूर करना मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कर सकते हो तो आप हार्ड वर्क समझ पा रहे हो कितने देर से समझाएँ तो एक लाइक ज़रूर बनता है और शेयर बनता है और एक कमेंट प्यारा सा जरूर बनता है और क्वेश्चन पूछोगे मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको और भी अगर फ, बाकी आपको फ्यूचर में आपको जुड़ना जरूरी है अगर आपको फ्यूचर में अच्छा खासा सीखना है और बहुत कुछ करना है तो तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है वजह से आपको सब सिंपल करना क्या है वीडियो के नीचे जहाँ कमेंट करते हो वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे जहाँ कमेंट करते हो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में देख लेना लिंक वहाँ मिल जाएगा ऐप का भी और टेलीग्राम चैनल का भी तो उस पर क्लिक कर देना ओपन हो जाएगा दैन ज्वाइन कर लेना ग्रैंड लिंक में रैंक वन की हमारे टेलीग्राम चैनल पर फोटो लगी होगी तो फटाफट जाके ज्वाइन करो फाइनल अपडेट टीम जो भी चीज़ होगी आपके साथ वहीं शेयर करने वाला तो यहाँ पे अपडेशन आती रहती है धीरे धीरे तो मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ चाहे दोस्तों बाय बाय